सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में निकले हैं और अभी फिलहाल हैं बेली रोड पे। और बेली रोड लोहियापत चक जो ऐप जिस नाम से आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तो अभी हम वहीं हैं। मेरे पीछे में जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वही है लोहियापत चक ब्रिज। और अभी फ़िलहाल हम हैं लोहियापत चक फ्लाईओवर के पास। और बता दें कि ये जो लोकेशन है ये हड़ताली मोड़ से राजवंशी नगर के बीच में डिस्टेंस जो पड़ता है उसी को बोलते हैं लोहियापत चक, जहाँ पे बीपीएससी का शायद ऑफिस है। ये इस साइड में, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में है बीपीएससी का ऑफिस, तो यहीं पे है लोहियापत चक। और यहाँ पे जो ये रोड है ये भी लगभग बन के हो गया है कंप्लीट, जैसा कि देख सकते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में जो ये पीछे देख रहे हैं यही है हड़ताली मोड़ साइड। हड़ताली मोड़ से इनकम टैक्स अगर जाना हो तो आप इस साइड जा सकते हैं। और ये जो साइड हुआ ये बेली रोड टू गोला रोड, बेली रोड मतलब गोला रोड साइड अगर जा रहे हैं तो ये हो गया उस साइड। तो ये भी जो फ्लाईओवर है ये भी लगभग हो गया है कंप्लीट और जल्दी होने वाला है स्टार्ट, इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और आपको बता दें कि आज इसका पूरा अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने भाई को कीजिए सपोर्ट और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं और ऊपर में फ्लैश भी कर रहा होगा, AKA बाइकर्स ब्रदरहुड के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, तो आप हमको वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे पीछे में इस साइड में देख सकते हैं इस साइड भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। और आपको उस साइड से दिखाते हैं, उस साइड एक और लेन है, उसके बाद जो है अंडरपास का भी काम चल रहा है, तो कोशिश करेंगे आपको अंदर से भी दिखाने का, नीचे से दिखाने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और पीछे साइड में मेरा बाइक लगा हुआ है वहाँ साइड में मेरा बाइक लगा हुआ है, तो बाइक को लेते हैं और फिर चलते हैं, राइड करते हैं और आपको दिखाते हैं हर एक डिटेल। बाइक स्टार्ट और चलते हैं लोहियापत चक का, लेते हैं राइड और दिखाते हैं आपको हर एक अपडेट। कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा व्लॉग बना पाए और आप मेरा वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक भाई के लिए अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक से क्या है ना कि हमको थोड़ा सपोर्ट मोटिवेट जो बोल दीजिए सो मिलता है। वो देख सकते हैं प्लेन जा रहा है और अभी बादल में था ना पूरा एकदम, मतलब विजिबिलिटी ख़त्म हो गया था उसका। और आप देख सकते हैं ये वाला जो फ्लाईओवर है ये तो स्टार्ट है और इस साइड वाला भी लगभग बन के हो गया है कंप्लीट, मतलब इसका जो काम है हमको जो कुछ काम वैसा कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन लगभग हो गया कंप्लीट, क्योंकि बस पेंटिंग का जो काम है बस वही बाकी है। और इस साइड में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिंग जो अप्रोच है इसका काम बाकी है जैसा कि देख सकते हैं। और ये रहा लोहियापत चक का ब्रिज, तो करते हैं एक फ़ोटो क्लिक, देखते हैं कैसा आता है यहाँ पे। अगर अच्छा फ़ोटो आया तो यही थंबनेल पिक्चर रहेगा, तो फ़ोटो कैसा आया पता नहीं, देखते हैं। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, यही है लोहियापत चक्का जो ब्रिज बन रहा है। और ये इसका जो ब्रिज का डिज़ाइन है ना ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत ब्रिज बन रहा है। आने वाले टाइम में इस साइड का तो क्या बताएं, व्यू ही चेंज हो जाएगा पूरा। और इसका काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, मतलब आप मेरे अगर पीछे वाला वीडियो देखेंगे और ये वाला वीडियो देखेंगे तो काम का जो स्पीड है वो आपको दिख जाएगा, मतलब वीडियो आप देखिएगा तो आपको कंपैरिजन कर सकते हैं कि काम कितना तेज़ी से किया जा रहा है। अब देख रहे हैं प्रॉपर एकदम। और उधर से जब उस साइड से ऐसे यूटर्न लेके आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इसका अंडरपास वाला जो कनेक्शन है वो कहाँ से दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल। अभी तो ये देख सकते हैं अच्छा खासा काम कर दिया गया है, हम भी इधर बहुत दिनों बाद आए हैं और देख रहे हैं कि काम तो अच्छा खासा हो गया है बहुत सारा। और इस साइड में भी अंडरपास का ही सीन रहेगा, एक अंडरपास जो रहेगा वो बीच से निकल के उस साइड जाएगा और एक अंडरपास इस साइड आएगा शायद। तो चलते हैं आगे और आगे से लेके आते हैं यू टर्न और फिर आपको और डिटेल बताते हैं इसके बारे में, कोशिश करेंगे और डिटेल आपके साथ शेयर कर पाए। और आपको जो बोले थे बीपीएससी का ऑफिस इसी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में।
आपको बता दें कि यहीं से होने वाला है ये फ्लाईओवर, लोहिया पच्चक वाला जो फ्लाईओवर है, इस साइड से यहाँ से होने वाला है स्टार्ट। अभी बैरिकेडिंग किया गया है, इधर का काम अभी थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा काम बाकी है। और आपको बता दें कि ये पीछे में जब हम आए हैं तो यही राजवंशी नगर मंदिर है, इससे आप आते हैं तो यहाँ से आप ये फ्लाईओवर यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और ये फ्लाईओवर का यूज़ करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं हड़ताली मोड़ की तरफ। और ये भी, ये जो है प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट होने में टोटल बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें टनल भी आने वाला है प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं आगे और आप वो और भी चीज़ दिखाते हैं। एक फोटो क्लिक करके देखते हैं थंबनेल पिक्चर यहाँ से कैसा आता है, यही दोनों में से कोई एक थंबनेल पिक्चर रहने वाला है। सो आने वाले टाइम में आप ये वाला फ्लाईओवर जो है इसका भी यूज़ कर पाएंगे। और ये वाला जो फ्लाईओवर जो जिस साइड से अभी हम आ रहे हैं उस साइड से अभी हम जस्ट आए हैं, और ये जाने वाला फ्लाईओवर रहेगा, मतलब आने वाले टाइम में क्या है कि आने वाला फ्लाईओवर उस साइड वाला रहेगा और जाने वाला इस साइड रहेगा। और ये जो रोड है ये भी हो जाएगा चालू, और इसके अंदर से कुछ टनल बन रहा है यहाँ पर अंडरपास, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये जो अंडरपास है ना, ये आप साइड से अगर आते हैं उस साइड आप राजभवन या एयरपोर्ट साइड से आते हैं तो आप इस टनल का यूज़ करके डायरेक्ट आ सकते हैं मेन रोड बेरी रोड पे, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है ट्रैफिक फ्री को ध्यान रखते हुए। ये जो आप देख रहे हैं मेरे कैमरा में, आई होप सो कि दिख रहा होगा, ये जो है ये अंडरपास होते हुए डायरेक्ट आप निकल जाइएगा मेन रोड पे। तो अभी तक का जो अपडेट है वो यही है दोस्तों, लोहिया पच्चक का अपडेट आपको यहाँ रुक के दिखा देते हैं अंडरपास। तो यही अंडरपास देखने को मिलेगा इस साइड से, आप देख सकते हैं ये अंडरपास आएगा और डायरेक्ट निकल जाएगा इस मेन रोड पे। सो आज का अपडेट जो है वो यही है दोस्तों, आज का अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, भाई को कीजिए सपोर्ट, और मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, क्योंकि लोहिया पच्चक यही था और इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी जितना अपडेट दे पाए हैं देते हैं, फिर आगे और भी काम होगा तो और भी अपडेट आएगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।